तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठा है। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाजप्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे कि सरकार का क्या क्या नीति है। आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संविधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगा। हम सारे लोग, राकेश टिकैत जी, हम सारे लोग आपके साथ होंगे। जल्द से जल्द जो जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे, बिल्कुल भागेंगे जी। हमने बहुत देखा जी, बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए, ये क्या बात है? क्या ये हजार साल रूल करने के लिए तोड़ी आए? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? किनकी कहो? मंत्रियों से कहते हैं कोई काम दाम नहीं है क्या? मंत्री क्यों आए? हफ्तों पर इनके दफ्तर में गए, वहां मंत्री लोगों को बिठा के तीन तीन घंटा देर करके आते हैं ताकि ये चला जाए, उल्टा बदनाम उन पे लग जाए। ये इनका नीति है। सारे हमारे सांसद गए, सांसद के साथ भी यही व्यवहार। क्या ये चलेगा? ये नीति है केंद्र सरकार चलाने का, गंभीरता है, ये बात नहीं चलेगी। यही नहीं जी, कई अन्य बातें हैं जो हमारे दिल में है, सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी, ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी।